नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 1 जुलाई 2023 और आज की क्लास में हम लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर दिए गए चार आर्टिकल्स को, बेसिकली चार मेन इश्यूज़ को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें से पहला जो हमारा इशू होगा वो बेसिकली अभी हाल ही में हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 13 एलिमेंट्स को जो है एज ए क्रिटिकल मिनरल्स के तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई किया है। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और किस तरह से क्या प्रोसेस होती है इनको आइडेंटिफाई करने की, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल्स में जो है हम लोग समझेंगे। सेकंड आर्टिकल हमारा जो होगा वो इस चीज़ को लेकर के होगा कि जो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है पिछले कुछ सालों में, उससे जो है ये कहा जा रहा है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। यानी अर्थ का जो 23.5 डिग्री पर जो रोटेशन वाला एक्सिस है उसमें जो शिफ्टिंग आई है, ऐसा जो है बोला जा रहा है। और उसके क्या कारण है वो इस आर्टिकल्स में जो डिटेल में बताए गए। फिर थर्ड आर्टिकल जो होगा हमारा वो बेसिकली होगा कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पार्टम। WHO की स्टडी में पाया गया है कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये जो है कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसके बारे में होगा हमारा थर्ड आर्टिकल। और फोर्थ जो हमारा इश्यूज होगा वो होगा कि अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है USA की एप्पल जो इम्पोर्ट है, एप्पल इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी को रिमूव कर दिया है। एक्स्ट्रा ड्यूटी जो लगा रहे थे हम लोग उसको रिमूव कर दिया है। तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन, अभी हम लोग समझते हैं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल है क्यों और ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में क्यों है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में एक टास्क फोर्स का गठन किया, और उस टास्क फोर्स ने जब स्टडी की तो उसने जो है 30 ऐसे एलिमेंट जो कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको क्रिटिकल मिनरल के तौर पे क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स को जो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रायोरिटीज़ या जो चीज़ें या जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया, किस क्राइटेरिया के बेस पे इनको तय किया गया कि भाई ये क्रिटिकल मिनरल्स होने हैं या नहीं है, तो इनको तीन बेसिकली जो है क्राइटेरिया के बेस पे जो क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। पहला तो जो है ये जो 30 एलिमेंट्स हैं इनका जो है आने वाली फ्यूचर में जो क्लीन टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में या गवर्नमेंट की जो क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स या जीरो एमिशन व्हीकल्स प्रोड्यूस करने को लेकर के जो स्ट्रेटेजी है उनमें जो है इन 30 एलिमेंट्स का जो है बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। ख़ासतौर से विंड टर्बाइंस में, सोलर पैनल्स में, एडवांस बैटरीज में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वगैरह में। यानी पहला क्राइटेरिया क्या जो है क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का जो पहला क्राइटेरिया था वो ये था कि क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में जो है इनका एक बहुत बड़ा क्या है, यूज़ होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया यूज़ किया गया कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें जो है इन मिनरल्स का या इन एलिमेंट्स का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेकंड क्राइटेरिया यही था हमारा कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसके उनके डेवलपमेंट में जो है क्या कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हमको हेल्प कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत तेज़ी से इस एरिया में जो है ग्रोथ कर सकें। थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया डिसाइड किया गया जो क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का वो ये था कि इन ऐसे उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है हमें जो कि कंट्री के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस में, डिफेंस की फील्ड में जो है जिससे कि हम लोग एडवांस वेपन्स या एडवांस जो है रिसर्च को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। परमानेंट मैग्नेट, सिरेमिक्स, हाई वैल्यू एडेड मेटल्स। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये जो क्रिटिकल इन जो 30 एलिमेंट्स हैं इनको क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो इन तीन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे क्या किया गया है, डिस्कस जो है वो मतलब कि आइडेंटिफाई किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक ये चीज़ें जो है क्लियर है। मैंने जैसे कि बताया कि ये जो मिनरल्स हैं इनको क्रिटिकल आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में जो है एक टीम सेटअप की गई थी, एक्सपर्ट टीम, और उसने जो है लास्ट ईयर के लेट में जो है ये
30 मिनरल्स को जो है क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया है। तो क्वेश्चन ये भी हमारे सामने आता है कि भाई ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये होते क्या हैं बेसिकली। अभी तो हम लोगों ने ये समझा कि क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए और उनको आइडेंटिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या जो क्रिटिकल मिनरल है ये बेसिकली क्रिटिकल होते क्यों हैं और क्यों इनको क्रिटिकल कहा जा रहा है और क्रिटिकल का मतलब क्या है। क्रिटिकल मिनरल्स जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं तो क्रिटिकल मिनरल्स वर्ड यूज़ करने का बेसिकली पर्पज़ है कि ऐसे मिनरल्स जो कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है या जिनके बिना अगर इनकी इन मिनरल्स में, क्योंकि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं या बहुत बड़ा रोल होता है इनका, और इसीलिए अगर इनकी अवेलेबिलिटी में अगर कोई भी कमी आती है तो उससे जो है ओवरऑल पूरे मार्केट में जो है सप्लाई चेन में जो है वो डिसरप्शंस आते हैं, यानी अदर जो मार्केट्स हैं या जो अदर जो फील्ड्स हैं वहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो इन मिनरल्स में अगर कोई भी कमी आती है तो उस इसका इम्पैक्ट जो है अदर फील्ड्स पर भी देखने को मिलेगा, स्पेशली क्लीन एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स हो गए, या फिर हमारा जो है हम लोगों ने पढ़ा था ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों ही फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसके जो है कंसिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे अगर क्रिटिकल मिनरल्स के अवेलेबिलिटी में कोई कमी आती है। और क्योंकि कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन तीनों फील्ड यानी क्लीन एनर्जी के अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड थर्ड जो चीज़ है वो आपका था एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इनपुट, उनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है जिसमें इन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट ने जो है क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन दी, और उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन वो ये थी कि अगर मान लीजिए क्रिटिकल मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं अगर इनकी सप्लाई में अगर कभी भी कोई कमी आती है तो इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर वो इतना ज़्यादा होता है जितना कि अगर अदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी सप्लाई में कमी आने पर जो है इकोनॉमी पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना कि क्रिटिकल मिनरल्स की कमी आने से जो है कंट्री की इकोनॉमी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनका जो है अगर इनकी सप्लाई में कोई भी कमी आती है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई में कोई भी कमी आती है तो उससे जो है कंट्री की इकोनॉमी पर जो पड़ने वाला जो इम्पैक्ट होता है वो जो है ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अदर रॉ मटेरियल्स की सप्लाई में शॉर्टेज आने से। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट की क्या बेसिकली डेफिनेशन थी, और उसने जो है इस तरह से अपने जो है क्रिटिकल मिनरल को डिफाइन किया। वहीं एक और डेफिनेशन हम लोग समझते हैं यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भाई देखिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको क्रिटिकली कैटेगराइज करने के जो है के लिए पीछे जो है दो बेस या दो जो है उन्होंने क्राइटेरिया पैरामीटर तैयार किए कि हम लोग इनको क्रिटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इनकी कमी आती है तो इससे जो है पूरे ओवरऑल मार्केट पे या पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए सप्लाई चेन में जो है डिसरप्शंस क्रिएट होते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्रिटिकली कैटेगराइज किया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो ये आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये इंडिया को क्यों रिक्वायर है, क्या इनके बिना और क्यों इनके लिए ज़रूरी है। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये बेसिकली हर कंट्री की जो है नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से क्या किए जाते हैं डिसाइड किए जाते हैं। हर कंट्री में जो मिनरल्स के जो ये क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है वो उस कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज़ के बेस पर किया जाता है, और उसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बेस पर जो है एलिमेंट्स को जो है क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है कैसे कैसे जो गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटी के आधार पर अलग अलग समय पर जो है अलग अलग टाइम पर जो है मतलब कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग एलिमेंट्स को जो क्रिटिकली जो है वो डिक्लेयर किया है। सबसे पहले बात आती है 2011 की। 2011 में प्लानिंग कमीशन जिसका कि नाउ प्रेजेंट टाइम में जो नाम है वो नीति आयोग है, ये हम सब लोग जानते हैं। जनवरी 2015 में सेटअप किया गया था नीति आयोग, और नीति आयोग ने जो है 2011 में जो है बोला कि इंडिया में जो है ऐसे मिनरल्स को
हम लोग क्रिटिकली डिक्लेयर करेंगे जो कि कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करते हों, कि कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। और उस टाइम पर जो है प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ने जो है 11 मिनरल्स को क्या करा है, क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया, जिसमें मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स वगैरह, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह शामिल थे। फिर 2017-20 में जो है स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है जब की गई, तो उसमें जो है 17 रेयर अर्थ एलिमेंट को क्या किया गया, क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया गया। और ये 17 जो रेयर अर्थ एलिमेंट थे वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लस्ट्रियस थे, यानी काफ़ी चमक वाले, काफ़ी वाइट हैवी मेटल थे, जिनका जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, लेजर्स में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और में इन सब फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ था। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है वो भी हमारा अलग अलग रहा है। जैसी हमारी प्रायोरिटी रही है उसके आधार पे हमने अलग अलग टाइम पर अलग अलग एलिमेंट को क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया है। फिर रिसेंटली नवंबर 2022 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है 7 मेंबर कमेटी बनाई जॉइंट सेक्रेटरी के अंडर में, और उनको जिम्मेदारी दी कि वो इस चीज़ को देखें कि भाई हमें जो है कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल जो है आज की डेट में डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली अब जो है ये कमेटी जो सेटअप की गई थी, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कमेटी है इसने जो है क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया, उसकी लिस्ट कैसे तैयार की। तो उसके लिए बेसिकली इन्होंने 3 स्टेजेस में काम करा, या ये जो है इन्होंने कुछ 3 स्टेज असेसमेंट रहता है जिसके बेस पर ये डिसाइड करते हैं कि कोई एलिमेंट क्रिटिकल होगा या क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई करने लायक है या नहीं है। तो पहला स्टेज तो इनका ये होता है कि फर्स्ट स्टेज में जो है इस कमेटी का काम ये होता है कि वो जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है स्टडी करे, डिफरेंट कंट्रीज़ में मतलब कि जो हम जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पर जो है कौन कौन से मिनरल्स को या कौन कौन से एलिमेंट्स को जो है वो क्रिटिकल आइडेंटिफाई किया गया है। और उसके बेस पर फिर हम लोग वहाँ स्टडी करेंगे, वहाँ समझेंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, UK एंड जापान, साउथ कोरिया में जो है जब इस पर स्टडी की कमेटी ने, तो पाया कि वहाँ से जो है इन कंट्रीज़ के जो नेशनल प्रायोरिटी के आधार पर जो है स्टडी करी कमेटी ने, और देखा कि वहाँ पर जो है कौन कौन से एलिमेंट को जो है क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया गया है। और फिर उसी के बेस पे जो है 69 एलिमेंट्स को जो है इन्होंने क्या करा, आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो 69 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्रिटिकल आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। और फिर उनका एग्जामिनेशन हुआ, फिर उनको डोमेस्टिक इनिशिएटिव या इस तरह से जो यहाँ पे पहला स्टेज कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में जो है अलग अलग मिनिस्ट्री में जो है जो मतलब जैसे जो 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 एलिमेंट्स हमको मिले उन एलिमेंट्स को जो अलग अलग मिनिस्ट्री में जो है उनको क्या किया गया, उसकी रिपोर्ट उसमें भेजी गई, और वहाँ पर जो है उनसे जो है उनसे कमेंट और सजेशन मांगे गए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से और डिपार्टमेंट से कि क्या हमें इन्हें या क्या ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सप्लाई चेन के लिए ज़रूरी है। और उनसे कंसल्ट करने के बाद हमारा मतलब सेकंड स्टेज में हमारा यही था कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट है उनसे हम लोग कंसल्ट करें, उनसे सजेशंस लें, और उनके बेस पे जो है इन 69 एलिमेंट्स में से भी फिर हम लोगों ने जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स को क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया जिसको कि जो कि वास्तव में या जो कि रियल में जिनके बिना कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड स्टेज पर जो है हम लोग देखेंगे कमेटी ने एम्पिरिकल फार्मूला अपनाया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, यानी इसकी रीजनेबिलिटी चेक की गई कि क्या सच में वास्तव में इसके बिना हम लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यानी उसको प्रैक्टिकली या उसकी रीजनेबिलिटी यानी उसकी लॉजिक, उसकी रैशनैलिटी को चेक किया गया, ठीक है। और किस फॉर्मूले के बेस पे कि भाई ये जो है क्रिटिकल आइडेंटिफाई होने के लायक है या नहीं है, इसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला अपनाया गया जो कि यूरोपियन यूनियंस के मेथड से लिया गया था। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से कमेटी ने जो है 3 स्टेजेस में क्या करा है, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया है।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अदर कंट्रीज में जो है क्या पैटर्न अपनाया जाता है मिनरल्स को या एलिमेंट्स को जो क्रिटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले यूएस की बात करें तो यूएस में जो टू स्टेज स्क्रीनिंग मेथडोलॉजी को जो है अपनाया जाता है, यानी जब भी वहाँ पर किसी भी एलिमेंट को क्रिटिकल आइडेंटिफाई करना होता है तो टू स्टेज स्क्रीनिंग से होकर के गुजरना होता है। और उसके टू स्टेज स्क्रीन मेथडोलॉजी में जो है उसके लिए जो तीन पैरामीटर्स या तीन फंडामेंटल इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है, देखा जाता है कि कोई भी जो मिनरल्स या एलिमेंट है उसका सप्लाई चेन में क्या रोल है, यानी उसके अगर सप्लाई में कोई भी कमी आती है तो उससे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या ओवरऑल नेशनल प्रायोरिटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये चेक किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन ग्रोथ देखी जाती है, यानी अगर इस एलिमेंट का प्रोडक्शन इस एलिमेंट को क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया जाता है तो इससे जो है ओवरऑल प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल प्रोडक्शन इसके बिना कितना डाउन जाता है और कितना ग्रो होता है। फिर देखा जाता है मार्केट डायनेमिक्स। यूएस के अंदर थर्ड जो इंडिकेटर है क्रिटिकल मिनरल को आइडेंटिफाई करने का वो है मार्केट डायनेमिक्स। देखा जाता है कि ये कितने तरह के मार्केट्स में इसका यूज़ किया जा सकता है, यानी जैसे कि हमने देखा कि अभी हमारे यहाँ पर जो 30 जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एलिमेंट आइडेंटिफाई गए हैं क्रिटिकल, उनको जो है किस आधार पर चेक किया गया कि भाई क्लीन टेक्नोलॉजी में इनका क्या यूज़ है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या यूज़ है। तो उसी हिसाब से जो यूएस में भी जो है देखा जाता है कि भाई कोई भी जो एलिमेंट है उसको जब हम क्रिटिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका जो है डिफरेंट मार्केट में क्या यूज़ है वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। और उसके चेक होने के बाद तीनों स्टेज से गुजरने के बाद फिर उस एलिमेंट को क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर बात करें अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली किसी भी एलिमेंट को क्रिटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये देखा जाता है कि क्या सप्लाई रिस्क पर, ग्लोबल सप्लाई पर जो उसका क्या रोल है, यानी अगर उस एलिमेंट की अवेलेबिलिटी में कोई कमी आती है, उसकी सप्लाई में कमी आती है तो उसका जो है पूरे ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके लिए ये लोग भी क्या करते हैं, तीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पहला वो ये देखते हैं कि प्रोडक्शन कंसंट्रेशन कितना है, यानी ये जो एलिमेंट है वो प्रोडक्शन में कितना रोल प्ले कर सकता है, मेटल फ्रैक्शन कितना है और इसकी रिसाइकलिंग रेट क्या है। रिसाइकलिंग रेट कहने का मतलब वापस से इसको बनने में जो है कितना टाइम पीरियड लगता है। ये तीनों क्राइटेरिया के बेस पे जो है यूनाइटेड किंगडम क्या करता है किसी भी मिनरल को क्रिटिकली आइडेंटिफाई करता है। और इस बेस पर उन्होंने जो 18 मिनरल्स को क्या करा है आइडेंटिफाई किया क्रिटिकली यूनाइटेड किंगडम ने। वहीं यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो जो है 2011 से जो है हर 3 साल बाद जो अपने क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की जो लिस्ट है उसको क्या करता है अपडेट करता है। और उसका भी जो है बेसिकली क्राइटेरिया जो है सिंपल सा है, उनका भी क्राइटेरिया कि ये लोग भी जो है यूरोपियन यूनियन जो अपने मिनरल्स को क्रिटिकली आइडेंटिफाई करता है उसके लिए तीन क्राइटेरिया यूज़ करता है। पहला है वो उसका एंड यूज़ एप्लीकेशन देखता है, यानी इसका एप्लीकेशन कौन कौन सी फील्ड में इसको यूज़ किया जा सकता है, यूरोपियन यूनियन के मैन्युफैक्चरिंग में ये कितनी वैल्यू एडेड कर सकता है, कितने प्रोडक्शन को हेल्प कर सकता है, और सप्लाई चेन, यानी हम लोग देख रहे हैं कि हर कंट्री लगभग वही क्राइटेरिया यूज़ कर रही है क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का जो इंडिया ने यूज़ किए हैं। 34 क्रिटिकल रॉ मटेरियल इस बेस पे यूरोपियन यूनियन ने 2023 में जो है आइडेंटिफाई किए। जापान की बात करें हम लोग तो जापान ने जो है पहली बार जो है अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की जो लिस्ट है वो 1984 में प्रिपेयर की, और अभी उसकी जो लेटेस्ट क्रिटिकल मिनरल की जो लिस्ट है वो उन्होंने मार्च 2020 में पब्लिश किए, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 31 जो है क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली जो लिस्ट है 2019 में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रिपेयर की है, और उसमें जो है उन्होंने 25 मिनरल्स को क्रिटिकली आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद से यहाँ पर 2 और एलिमेंट को ऐड कर लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या एफर्ट्स लिए हैं अपने जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को के फील्ड में जो है डेवलपमेंट को लेकर के, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एफर्ट्स करे हैं इस फील्ड में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को
जो है क्रिटिकल आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो पहले देखते हैं डोमेस्टिक लेवल पे किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम करा है, और फिर उसका देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे। तो डोमेस्टिक लेवल पे जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने जो है एक मिनरल एक्सप्लोरेशन चलाया जम्मू कश्मीर के सलाल हेमना एरिया के अंदर, और वहाँ का जो एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है जियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया को जो है रिसेंटली 5.9 मिलियन टन्स के जो लिथियम ओर के अभी जो है वहाँ पर रिसोर्सेज पाए गए हैं। तो यानी जियोलॉजिकल भी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ा भी था कि लिथियम के जो है रिसोर्सेज पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन्स अराउंड। तो ये जो है डोमेस्टिक लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स रहे हैं इन एलिमेंट्स की जो है इन एलिमेंट को मतलब कि खोजने को लेकर या इस एलिमेंट के एक्सप्लोरेशन को लेकर। फिर उसके बाद एक जॉइंट वेंचर कंपनी हमारी खनिज विदेश लिमिटेड, जिसको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है बाहर अदर कंट्रीज़ में जाकर के जो है जो भी क्रिटिकली एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनका जो है और उनको आइडेंटिफाई करे और उनकी सप्लाई को क्या करे अश्योरेंस करे। और काबिल जो है जो बेसिकली जो ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो काबिल है, वो जो है बहुत सारी कंट्रीज़ की अलग अलग जैसे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर के जो है ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मिनरल्स को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है और उसकी जो जानकारी है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इंडियन अभी गवर्नमेंट ने जब हम लोगों ने देखा कि यूएस टूर पे गए प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उन्होंने जो है यूएस गवर्नमेंट के साथ जो है एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है जिसमें 14 कंट्रीज़ का कोलाबोरेशन है, और उसमें जो है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करेंगी क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को पूरे ग्लोबल लेवल पर इंश्योर करने के लिए। तो ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या किए गए एफर्ट्स किए गए हैं। अब कंक्लूजन के तौर पे राइटर क्या कहते हैं, राइटर का कहना है कि भाई इंडिया देखिए जो है लेट मूवर हो चुका है लिथियम को लिथियम जो कि उन 30 एलिमेंट्स में से एक है जिसको कि क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किया गया है। तो बोल रहा है कि भाई इंडिया ने जो है ऑलरेडी लिथियम का जो यूज़ है उसको समझने में जो है लेट हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो मार्केट है उसमें जो है लिथियम का अपने आप में बैटरी वगैरह बनाने में बड़ा यूज़ है बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में, तो हम लोग लेट ज़रूर हो गए। बट ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो टाइम है वो इन्फ्लक्शन टाइम होने वाला, आने वाला जो साल है वो इन्फ्लक्शन पॉइंट होने वाला है। इन्फ्लक्शन पॉइंट बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब कोई चीज़ ग्रो करती है और फिर डाउन होती है, और फिर डाउन पर जाने के बाद एक पॉइंट होता है जहाँ से वो इतना डाउन जाएगी कि उससे नीचे नहीं जा सकती डाउन, और फिर उस पॉइंट के बाद उसे ग्रो ही करना होता है। तो बेसिकली हम लोग लेट ज़रूर हो गए हैं, बट लिथियम का जो नया रिसोर्सेज मिला है जम्मू कश्मीर बेसिकली रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कोशिश की जा रही है कि हम लोग लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और इसका कमर्शलाइजेशन करके अच्छा जो है कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें कि भाई जो ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें बेसिकली कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, तो इसमें देखिए ये मिनरल्स जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वैनेडियम, नियोबियम, जर्मेनियम, रेनियम, बरेलियम, टेंट्यूलम, स्ट्रोंशियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, मैंगनीज, क्रोनशियम, सिलिकन, ये सब जो हैं कुछ मिनरल्स हैं या इनके जो है बेसिकली ग्रुप्स हैं जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो है 30 क्रिटिकली आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या होता है समाप्त होता है। सेकंड आर्टिकल जो है हमारा वो बेसिकली एस्पार्टम को लेकर के, एस्पार्टम होता क्या है, एस्पार्टम बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग अपने खाने में या चाय वगैरह में जो है शुगर यूज़ करते हैं, नॉर्मल नेचुरल शुगर, और उस नेचुरल शुगर में जो है शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि हम लोगों को डायबिटीज़ वगैरह जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है, और इसीलिए कुछ लोग जो है वो आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर में जो शुगर की जो कैपेसिटी है या जो उसमें जो क्वांटिटी है वो कम होती है।
इसी पर्पज के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या कि WHO की एक कैंसर रिसर्च आर्म है या विंग है जिसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उसने एक स्टडी की और उसमें पाया कि एक आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर है जिसका नाम है एस्पार्टेम, और ये जो है एस्पार्टेम का जो कंजम्पशन लोगों में बढ़ रहा है इस वजह से जो है एस्पार्टेम जो एक कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उस स्टडी में पाया गया कि ये जो एस्पार्टेम का बढ़ता हुआ जो कंजम्पशन है ये बेसिकली कैंसर जैसी बीमारी को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो आई होप आपको इश्यू समझ में आ गया होगा कि क्यों इसकी बात हो रही है। एस्पार्टेम जो वर्ल्ड का एक कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी वर्ल्ड में जो है स्वीटनर के तौर पे इसका आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है, खासतौर से सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगर फ्री च्युइंगम, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री ब्रेकफास्ट शेरल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और यही बोला जा रहा है कि ये हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं बट ये जो है कैंसर जैसी बीमारी या डिजीज़ का जो है कॉज बन रहा है अकॉर्डिंग टू स्टडी। अब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम है इसकी अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बेसिकली एक मिथाइल एस्टर ऑफ डेप्टेटाइड है। ये क्या है, एक मिथाइल एस्टर ऑफ डेप्टेटाइड है। अगर इसको हम लोगों को और डिटेल में समझना है तो इसके लिए हमें केमिस्ट्री को जाना होगा, जो कि केमिस्ट्री के डेप्थ में जाना होगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक जो मिथाइल एस्टर ऑफ डेप्टेटाइड है, और ये बेसिकली इसमें दो जो है नेचुरल एमिनो एसिड एल एस्पार्टिक और एल फिनेलेनाइनिन पाया जाता है, ठीक है, इससे मिलकर के ये बना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एस्पार्टेम है इसको फर्स्ट टाइम जो है 1965 में एक साइंटिस्ट है जेम्स एम श्लाटर, उन्होंने क्या करा, जो कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी के जीडी सल एंड कंपनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको क्या करा, डिस्कवर किया, और वो भी एक्सीडेंटली इसको उन्होंने जो है काफ़ी एक्सीडेंटली वे में इन्होंने क्या करा, इसको डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। हुआ ये था कि जब ये अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये जो स्वीटनर है वो इनके हाथ पर गिर गया। जब उन्होंने इसको अपने टंग से इसको टेस्ट किया तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्वीट टेस्ट आया, और वहीं से जो इन्होंने इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को क्या किया, इन्वेंट किया। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो एस्पार्टेम है वो 200 टाइम्स स्वीटर है टेबल शुगर, यानी नॉर्मल जो शुगर है उससे 200 टाइम्स क्या है ज़्यादा स्वीटर है, यानी उससे ज़्यादा मीठा है। एस्पार्टेम जो है से बहुत कम स्वीट माने जाते हैं अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि एडवांस टैम, नियो टैम। इवन ये तक पाया गया कि जो 1 ग्राम ऑफ एस्पार्टेम है उसकी स्वीटनेस इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग 2 चम्मच चीनी की जो, यानी 8 ग्राम शुगर की जो स्वीटनेस होती है उतनी स्वीटनेस जो है वो 1 ग्राम एस्पार्टेम में मिल जाती है। तो ये बेसिकली बोला जा रहा है। एस्पार्टेम जो है, मैं कहा गया कि भाई जो एस्पार्टेम के जो है बेसिकली 1 ग्राम जो है 4 कैलोरीज के बराबर होते हैं, वहीं 2 टीस्पून से हमको 8 ग्राम शुगर से जो है 32 कैलोरीज मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो 1 ग्राम है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में एस्पार्टेम जो है वो हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ओवर 40 साल से भी लंबे टाइम से इसका यूज़ किया जा रहा है एस्पार्टेम का जो है, और इसका केमिकल एडिक्टिव फूड में इसका वगैरह में यूज़ किया जा रहा है वाइडली। जब इसकी स्टडी की गई 100 से भी ज़्यादा जब इसकी स्टडी की गई तो अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि भाई वास्तव में एस्पार्टेम जो है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन सभी लोगों के लिए साइंटिफिकली सब लोग इस बात पे सहमत है कि एस्पार्टेम जो है वो नॉर्मल पीपल्स के लिए जो है हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो है हार्मफुल है जिनको कि फिनाइलेक्टोन्यूरिक्स है, जिनको फिनाइल कैटोन्यूरिक्स है, जिनको कि फिनाइल कैटोन्यूरिक्स की प्रॉब्लम है। फिनाइल कैटोन्यूरिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स बेसिकली जब ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है तो फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो है ऐसे लोगों के लिए जिनको कि जिनके शरीर में एमिनो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है
उन अगर वो लोग अगर एस्पार्टेम को कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। फूड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो उसके अकॉर्ड उसने जो इसके पर इसके एस्पार्टेम को यूज़ को जो 1981 में जो है फूड के अंदर यूज़ करने के लिए परमिट कर दिया, और आज की डेट में 100 से भी ज़्यादा कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर इसको जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज़ कर रही है। उनमें से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसने एस्पार्टेम के यूज़ को जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर यूज़ को जो है परमिट दे रखी है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल था जहाँ हमको बताया जा रहा है कि भाई ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये कैसे जो है कैंसर का रीज़न बन सकता है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। अब देखिए थर्ड जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली ज्योग्राफी के एक इशू को लेकर है या एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और यहाँ पर भी बेसिकली एक स्टडी की जाती है, और उस स्टडी में ये पाया गया है कि जो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी हम लोगों ने जो लगातार हम लोग जो ग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर का लगातार एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हैं, उस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ऐसा एक स्टडी में पाया गया। बिटवीन 1993 to 2010 यानी 1993 से लेकर के 2010 तक के बीच में पाया गया कि लगातार ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन की वजह से जो है लगभग जो है 2115 गीगा टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर इस दौरान निकाला गया है, जिससे जो अर्थ का जो टिल्ट है या जो अर्थ का जो झुकाव है या जो अर्थ के एक्सिस का जो टिल्ट है वो 80 सेंटीमीटर क्या हो गया, ईस्ट की ओर मूव हुआ है, ऐसा स्टडी में पाया गया। और स्टडी जो की गई है वो ड्रिफ्ट ऑफ अर्थ पोल कन्फर्म्स ग्राउंड, उसने कन्फर्म किया है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो एक सिग्निफिकेंट रीज़न है जिससे कि ग्लोबल सी लेवल भी क्या हुआ है, राइज हुआ है 93 से लेकर 2010 के बिटवीन में। तो बेसिकली ऑथर यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखिए जो एक्सेस जो ग्राउंड वाटर का एक्सेस एक्सट्रैक्शन है उससे दो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है, दूसरा जो है अर्थ का जो एक्सिस है उसके टिल्ट उसमें जो है टिल्ट आ रहा है और वो जो है 80 सेंटीमीटर पिछले 20 सालों में 93 से लेकर 2010 के बीच में जो है 80 सेंटीमीटर जो है ईस्ट की साइड में क्या हुआ है, थोड़ा मूव हुआ है, अर्थ जो है वो लगातार शिफ्ट हो रही है ऐसा मानना है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर मूव कर दिए, लेकिन क्योंकि पिछले जो ऑथर है वो इस आर्टिकल के जरिए यही कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन की वजह से एक्सेस वाटर के एक्सट्रैक्शन की वजह से जो रॉक्स जो है वो स्लोली स्लोली क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, जो रॉक्स हैं जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है अपने अर्थ के अंदर क्या हो रही है मेंटल कॉजेज में जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है मूव हो रही है, जिससे जो है पोलर मोशन बढ़ रहा है। पोलर मोशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि ओशन करंट, हरिकेन्स, इन सब चीज़ों पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ओशन करंट भी चेंज होगी, हरिकेन्स जो आते हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा केवल नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से नहीं हो रहा या नेचुरल कॉजेज इसके पीछे ज़िम्मेदार नहीं है, ग्राउंड वाटर का जो एक्सेस एक्सट्रैक्शन हुआ है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हुआ है बढ़ा है। हम लोगों ने प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम भी क्या हुई है, क्रिएट हुई है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स खासतौर से ग्रीनलैंड के आइस शीट्स वगैरह वहाँ पिघल रही हैं, जिससे भी अर्थ का एक्सिस जो है वो 1990s के लेवल से जो है बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, मूव हो चुका है। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऑथर जो है वो इस आर्टिकल में यही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई ये जो एक्सिस ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है इससे जो है अर्थ का जो टिल्ट है उसमें जो है कहीं ना कहीं उसका जो टिल्ट है ये उसमें जो मूवमेंट हो रही है और वो ईस्ट साइड में जो है बढ़ता मूव होता जा रहा है। और उसी बीच उन्होंने कहा कि 1990 के लेवल से जो है अभी के लेवल पे जो है अर्थ का एक्सिस जो है वो ज़्यादा मूव होने हो गया है। फिर ऑथर कहते हैं कि भाई बहुत उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो स्पिन एक्सिस है अर्थ का जो एक्सिस है वो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओशन बॉट अर्थ के एटमॉस्फेयर अर्थ की जो एक्सिस है उसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो उससे जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे जो सीजन्स हैं सीजन्स में चेंजेस आएंगे, ओशन बॉटम प्रेशर हमारा चेंज होगा, आर्टिफिशियल रिजर्वेयर्स बैंड पोलर आइस माउंटेन ग्लेशियर विंड करंट और जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उन सब में क्या है चेंजेस देखने को मिलेंगे।
तो अगर इसको टाइम रहते अगर हम लोगों ने मैनेज नहीं किया तो आने वाले टाइम पर जो है ये क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा कारण तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ जो है इससे जो है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज होगा। जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो सबसे ज़्यादा पाया गया है वो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाया गया है, खासतौर से अर्थ के मिड एल्टीट्यूड वाले पार्ट पर, जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पोलर मोशन लगातार बढ़ रहा है। पोलर मोशन बढ़ने से का मतलब है कि जो अर्थ की जो एक्सिस, अर्थ की जो 23.5 डिग्री की जो एक्सिस है नॉर्मली वो उस पर रोटेट करता है, बट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से उसका जो टिल्ट है वो और भी ज़्यादा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसका झुकाव बढ़ता चला जा रहा है कंपेरिजन टू द एक्सट्रैक्शन टेकिंग प्लेस इन पोल्स और इक्वेटर्स। जितना जो एक्सट्रैक्शन है वो पोल्स वाले एरिया और इक्वेटर्स पे नहीं हुआ है जितना कि मिड एल्टीट्यूड वाले एरियाज में हुआ है, और इसलिए इसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो उन्हीं एरियाज में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड आर्टिकल भी क्या होता है, डिस्कस होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि बेसिकली इंडिया और यूएस के रिलेशंस को लेकर के ही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि जो यूएसए था, यूएसए जो है हमें एप्पल इंपोर्ट करता है, या एप्पल हमको बेसिकली हम लोग यूएसए से एप्पल इंपोर्ट करते हैं, तो उस एप्पल इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018-19 में जो है 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी थी। लेकिन उस ड्यूटी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिसेंटली क्या कर दिया है, हटा दिया है। 20% जो एक्स्ट्रा ड्यूटी थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, हटा दिया है। और ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए करा ताकि हमारी जो इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट है उनका उनकी जो है यूएस के मार्केट तक क्या हो सके, एक्सेस हम लोग क्या कर सके, एक्सेस को रीस्टोर कर सकें, दोबारा से हम लोग अपने इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट को यूएस मार्केट तक पहुंचा सके। उसको पूरा करने के लिए हमने जो है यूएस के द्वारा इम्पोर्ट किए जाने वाले एप्पल के ऊपर जो लगाई गई 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी थी उसको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है इससे कि भाई अगर हम लोगों ने ये जो ड्यूटी हटा दी है कि क्या इससे जो है इंडिया के अंदर अमेरिकन एप्पल्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और ये एक क्वेश्चन उठ रहा है। तो बेसिकली ऑथर का जो है वो कहना है कि बिल्कुल नहीं, अगर हम लोगों ने ये जो ड्यूटी हटाई है उससे जो है इंडियन एप्पल के मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसके पीछे वो तीन रीज़न देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई देखिए यूएस पे जो है यूएस एप्पल जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे उस पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी वैसी ही बनी रहेगी जो कि पहले भी लगती थी, और अभी भी 50% ड्यूटी वहाँ पर एप्लीकेबल है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल उस 20% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया है जो हमने 2018-19 में क्या कर दी थी, जून 15, 2019 को क्या करी थी, लगा दी थी। तो हमने जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है केवल उसको ही हटाया है, बाद बाकी की जो नॉर्मल 50% ड्यूटी है उसको अभी भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सेकंड वो जो है ऑथर का ये कहना है, सेकंड जो पॉइंट है ऑथर का वो जो है बोल रहा है कि भाई हम लोगों ने भले यूएस एप्पल्स के ऊपर टैरिफ लगा दी हो बट उस वजह से कभी भी हमारे इंडिया के अंदर जो है उसके ओवरऑल इम्पोर्ट पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जैसे कि 2013-14 में हम लोग 1.75 लाख टन जो है एप्पल को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, फिर 2018 में ये जो है 2.83 लाख टन हो गया, और फिर उसके आगे जो है 4.59 लाख टन, और फिर 3.74 लाख टन हुआ। यानी अगर हम लोगों ने ये जो टैरिफ हटा दिया है उससे भी बहुत कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नॉर्मल उतना ही इम्पोर्ट हम लोग ड्यूटी लगाने के बावजूद भी लगातार उतना ही इम्पोर्ट कर रहे थे, और उतना ही इम्पोर्ट होने की अभी भी क्या है, गुंजाइश है। तीसरा जो है कारण बोला जा रहा है कि ऑथर का ये कहना है कि भाई तीसरा कारण ये है कि हम इस कारण से भी कह सकते हैं कि यूएस एप्पल्स का जो है फ्लड नहीं आएगा इंडियन मार्केट में। वो ये कहना है कि भाई देखिए वॉशिंगटन स्टेट जो है वो 1.28 लाख टन जो है 2018-19 तक जो है पहुंच गया था, लाख टन तक इंपोर्ट करता था इंडिया के अंदर,
रिगेनिंग दोज लेवल्स मे नॉट बी, और उस लेवल को प्राप्त करना द्वारा से अपने आप में इतना आसान नहीं होगा, खासतौर से एक ऐसे ईयर के बाद जब वहाँ पर सबसे कम जो है एक्सपोर्ट हुआ है इंडियन मार्केट में US एप्पल्स का 4486 टन्स का 2022 और 23, यानी 22 और 23 में केवल 4486 टन्स ही हम लोगों ने क्या एप्पल्स को क्या करा था इंडिया के अंदर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने दिया था या इंपोर्ट होने दिया था। और उस लेवल से जो है द्वारा और 2018-19 तक ओनली जो सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट रहा है US एप्पल का वो 1.28 लाख टन रहा है 2018-19 तक। ओके, तो उस लेवल तक पहुंचने में जो है USA को बहुत टाइम लगेगा, पहले उस लेवल तक पहुंचेगा तब जा कर के वो जो है उससे आगे की बात कर सकता है। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स थे ऑथर के, जिस वजह से तो वो कह रहे हैं कि भाई ड्यूटी हटाने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि इंडियन मार्केट या इंडियन एप्पल्स के प्रोडक्शन पर उसका कोई असर देखने को मिलेगा। जब हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है शुरुआत से जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, एप्पल्स को एप्पल के एक्सपोर्टर के तौर पे एक पार्टनर रहा है। चाइना 2017-18 तक जो है इंडिया को बड़े पैमाने पे जो एप्पल्स का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 2017 में एक इंसिडेंट होता है कि चाइनीज़ एप्पल्स जो कि हमको इंपोर्ट किए जा रहे थे उनके इंपोर्ट पर जो है सस्पेंशन लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसलिए क्योंकि वो एप्पल जिस शिप में आ रहे थे, जिस शिपमेंट में आ रहे थे उसमें कुछ पेस्ट वगैरह डिटेक्ट किए गए, और जब पेस्ट वगैरह डिटेक्ट किए गए तो चाइनीज़ एप्पल्स पर हम लोगों ने जो उसको सस्पेंड कर दिया, उसके इंपोर्ट को सस्पेंड कर दिया, जिसका बेनिफिट US ने उठाया, जिसका फ़ायदा US को मिला, और US का जो एप्पल का जो इंपोर्ट है वो इंडिया के अंदर 2018-19 में क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से जंप कर जाता है। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा ड्यूटी इम्पोज की जाती है वॉशिंगटन या US एप्पल्स के ऊपर, तो उसका जो है उसका फ़ायदा जो है टर्की और ईरान जैसी कंट्री को मिलता है, क्योंकि फिर जो है US के लिए इंडिया में एप्पल्स को इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है, तो टर्की और ईरान जो है उसका बेनिफिट उठाते हैं, और इंडिया के लिए जो टर्की और ईरान जो वो टॉप सप्लायर बन जाते हैं पिछले 3 सालों के अंदर जो है एप्पल्स को इंपोर्ट करने के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में, और चिली, इटली एंड न्यूजीलैंड के बाद, और चिली, इटली और न्यूजीलैंड भी जो इंडिया को इस दौरान क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एप्पल्स। अब बोला जा रहा है कि अगर हम लोग US से ज़्यादा एप्पल्स को इंपोर्ट करेंगे तो क्या इससे इंडियन फार्मर्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बोला उसके लिए भी ऑथर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बोल देखिए इसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि देखिए इंडिया में जो है एस्टिमेटेडली 24.37 लाख टन ऑफ जो है वो फ्रूट जो है 21 और 22 में जो है प्रोडक्शन हुआ है, 24.37 लाख टन जो ओवरऑल टोटल फ्रूट्स का जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से हम लोग इंपोर्ट केवल कितना कर रहे हैं 4 से 4.5 लाख टन कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए अगर US एप्पल्स के जो नंबर हैं वो बढ़ते भी हैं तो ये जो है रिप्लेस करेंगे टर्की और इटली से इंपोर्ट होने वाले एप्पल को, है ना, ना कि हमारे उसके हमारे जो इंडियन फार्मर्स की जो ग्रो किए जाने वाले एप्पल्स हैं उसके प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका जो है US एप्पल के एक्सपोर्ट के बढ़ने से जो है टर्की और इटली को जो है US एप्पल से कॉम्पीट करना पड़ेगा, जिससे उनका जो इम्पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिससे इंडियन फार्मर्स पर, इंडियन एप्पल फार्मर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र। इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो ड्यूटी जिस सीज़न में हटाई गई है, जो जिस टाइम पर हटाई गई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेट लाइन है, यानी इस ड्यूटी को हटाने का जो टाइमिंग है वो भी अपने आप में, जो उसको हटाने का जो डिसीजन है वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे कि इंडियन फार्मर्स के, इंडियन एप्पल्स जो फार्मर्स हैं उनके ओवरऑल बिजनेस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एप्पल हार्वेस्टिंग जो है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बेसिकली की जाती है, विद दैट यू सम की जाती है, एक सीज़न विशेष में की जाती है। नॉर्मली ये जो सीज़न है वो जो है एप्पल हार्वेस्टिंग का होता है, और इस टाइम पर जो है ओवरऑल हमारे डोमेस्टिक मार्केट में और पहले से ही जो है एप्पल्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है।
साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि 50 रुपीज़ पर केजी हम लोग क्या करेंगे, जिसमें कोस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस होगा, ओशन का फ्रेट शामिल होगा, उसके बाद ही जो है हम लोग US एप्पल्स को इंडिया में अलाउ करेंगे, जो कि US जैसी कंट्री के लिए भी इतना आसान नहीं होगा और US एप्पल के लिए जो है इंडियन एप्पल से कॉम्पीट कर पाना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट है जिसके बेसिस पर जो है ऑथर का कहना है कि भाई हमारे ओवरऑल जो है हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन या हमारे जो ओवरऑल इंडियन एप्पल के फार्मर्स है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आज के हम लोगों ने जो 4 इश्यूज डिस्कस किए वो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से आप लोग लगातार क्लासेस देखते रहें और अपना सपोर्ट देते रहें ताकि हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।